हेलो फ्रेंड, मैं हूं नम्रता। मेरे चैनल नम्रता कुकिंग डायरी में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं गाजर का हलवा बनाने का बहुत आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत कम मेहनत में बन जाएगा और टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो एक बार जरूर ट्राई करें इस आसान सी रेसिपी को। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 1 केजी गाजर लिया है। अब हम इसे छील के साफ कर लेंगे। पहले एक गाजर ले लेंगे, पहले इसका दोनों साइड काट लेंगे हम। अब हम इसे छील लेंगे। ये देखिए, एक गाजर को हमने छील लिया है। इसी तरह से सारे को हम छील लेंगे। ये देखिए, सारे गाजर को हमने छील के अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। ये देखिए, गाजर हम छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं और ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको हम काट के निकाल देंगे। ये हलवा का टेस्ट खराब कर देता है। इसी तरह से हम सारे गाजर को छोटे पीस में काट लेंगे। इसको आज हम ग्राइंड करके बनाएंगे। आप घिस के भी बना सकते हैं। घिस के बनाने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगा। ये देखिए, हमने सारे को छोटे पीस में काट लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा लेके ही ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। इसको हमने थोड़ा मोटा ही ग्राइंड किया है, ज़्यादा बारीक करने से ये अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे गाजर को हमने ग्राइंड कर लिया है। इसको थोड़ा हमने मोटा ही ग्राइंड किया है। मोटा करने से ही थोड़ा दानेदार हलवा बनेगा। तो हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। अभी हम थोड़ा ही घी डालेंगे, उसके बाद में हम घी डालेंगे। घी थोड़ा गर्म हो गया है। अब हमने जो गाजर वो ग्राइंड करके रखा है वो डाल देंगे। अब हम इसको चला देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और इसको ढक के 4 से 5 मिनट तक के लिए पका लेंगे और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे हम। ये देखिए, 4 से 5 मिनट हमने इसको भून लिया है और ये कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये सारा दूध एब्जॉर्ब नहीं कर ले। ये देखिए, दूध लगभग सूख गया है। तो अब हम इसमें 250 ग्राम चीनी डाल देंगे। हमने 1 केजी गाजर लिया था तो 250 ग्राम हम चीनी डाल रहे हैं। आप चीनी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा करें। इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। लास्ट में घी डालने से बहुत अच्छा साइन भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। ये हमने 4-5 इलायची को कूट करके बनाया है, इसमें डाल देंगे अब ये। इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पका लेंगे ताकि ये जो थोड़ा गीला है ये सूखा हो जाए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये 8 से 10 काजू को हमने बारीक काट के ले लिया है, ये इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा किशमिश लिया है हमने, ये भी डाल देंगे। ये 3-4 बादाम को हमने बारीक काट के लिया है, ये भी डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिला देंगे इसमें। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हमने इसको पका लिया है हाई फ्लेम पे। ये देखिए, ये पूरा सूख भी गया है इसका पानी। तो हम गैस को बंद कर देंगे।
ये देखिए कितना कम टाइम में और कितना कम मेहनत में बहुत टेस्टी हलवा बन के तैयार हुआ है। तो एक बार जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन